रहमान इब्राहिम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हाइपोथेसिस, जो कि हमारा ऑब्जर्वेशंस के बाद जो एक टॉपिक रह गया था, वो डिस्कस करेंगे। हाइपोथेसिस को हम डिफाइन कैसे करते हैं। दिस इज़ अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन explanation of observations is called hypothesis. जो हमने observations collect की हैं, चाहे वह qualitative हैं quantitative हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक स्टेटमेंट देते हैं, और वो आरजी स्टेटमेंट होती है, दैट मे बी ट्रू दैट मे बी फॉल्स। तो ये जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है ऑब्जर्वेशंस की, इसको हम हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं, इट आल्सो बी डिफाइंड एज प्रोपोजिशन that might be true, यानी observations को देख कर हम ऐसी statement बनाई जो कि दुरुस्त साबित हो सकती है। इस proposition को, इस तजवीज़ को जो कि दुरुस्त साबित हो सकती है, इसको हम hypothesis का नाम देते हैं, क्योंकि ये आरजी तजवीज़ है, टेंटेटिव है, और ये प्रोपोजिशन है, एक तजवीज़ है, दैट मे बी ट्रू दैट मे बी फॉल्स। तो इसको फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए फिर आगे हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको डिडक्शन कहते हैं, और डिडक्शन जो है वो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज है हाइपोथेसिस का, उसको फिर एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए टेस्ट किया जाता है। ये आपको पिछले लेक्चर्स में आप देख चुके हैं। हाइपोथेसिस को बनाने के लिए कुछ ऐसी खसूसियात होनी चाहिए जो हर हाइपोथेसिस में ज़रूरी हैं। दीज आर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। एक अच्छे हाइपोथेसिस को बनाने के लिए कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, वो हम देखते हैं। नंबर वन, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। ये एक आम सी स्टेटमेंट होनी चाहिए जो सबकी समझ में आ जाए। दूसरे नंबर पे, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। इसको जितना सादा रखा जाए उतना ही अच्छा है, ताकि इसको आसानी से समझा जा सके। उसके बाद हाइपोथेसिस की जो तीसरी खसूसियत है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वो है इट शुड बी रिलेटेड टू observations, जो observations हमने की हैं उसको देख कर ही hypothesis बनाया जाए। ये नहीं है कि observations कोई और हैं और hypothesis कुछ और है। Last one is, it should be it should be
पोटेंशियली फॉल्सिफाइएबल इसका मतलब ये है आपके पास कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए जिससे आप इसको प्रूव कर सकें या डिसप्रूव कर सकें. फॉल्सिफाइएबल देयर शुड बी अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस. तो ये चार स्टेटमेंट हैं, ये एक अच्छे हाइपोथेसिस में होनी चाहिए. इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, इट शुड बी रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशंस और इट शुड बी पोटेंशियली फॉल्सिफाइएबल. तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है और हाइपोथेसिस के करैक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं. तो यही दो क्वेश्चन बनेंगे, डिफाइन हाइपोथेसिस और दूसरे नंबर पे व्हाट आर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ of a good hypothesis. तो स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चन याद करेंगे तो ये हमारा जो स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल मेथड के वो पूरे हो गए. उसके बाद हम मलेरिया की एग्जाम्पल्स जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.